हेलो गाइस, गुड मर्निंग। दिदी असार पन्ध्रको टिम चाहिँ हामीसँग आइसकिसकेको छ। यहाँदेखि पानी पनि यस्तो छ हो। आज असार 14 गते है। सब लोग पीछे देखिए गाइस, ये बंदे हमारे म्यूजियम कल आप लोग पूरा दिखाएंगे। आज थोड़ा इनकम्प्लीट है, आज काम चल रहा है। आज रात को डिजाइनर हमारा दस मिलियन एंड सपोर्टिंग है। अभी आशा पंद्रह का काम चल रहा है। आशा पंद्रह का एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल विलेज स्टोरीज है। आज से हम असार पंद्रह को लागि तैयारी है। वेदर पनि यस्तो छ, हेर्नुस् एकदमै हुस्से लागिरहेको छ। म र पदम भाइ चाहिँ अब निस्किँदैछु यहाँ भाइ, असार पन्ध्रको लागि खुकुरी भिरेर अब डेरा सेरा बनाउनु है। हामी चाहिँ जाँदैछौँ गाइस यहाँ तल हो भेनु, गोरु जोत्नुको लागि रेडी हुँदैछ। हेर्नुहोस् गाइस, हामी चाहिँ अब निस्किएको, पदम भाइ यहाँ पछाडि छ है। हेर्नुहोस् फोटो खिच्दैछ। हामी चाहिँ असार पन्ध्रको भेनु चाहिँ यहाँ तल हो। हामी जाँदैछौँ बाटै बाटो, हम लोग जा रहे हैं। आज से शुरू हो रहे हैं हम लोग का असार पंद्रह का काम। और ये देखिए, ये टोपी मेम्बो का एकदम ऑर्गेनिक हमारे गांव में बनाया। और वेनु उधर है, हम लोग जा रहे हैं क्योंकि आज से शुरू करना है असार पंद्रह के लिए काम। और रोहित भाई देखिए गाइस, ओके गाइस, आप सभी को दिखाएंगे हम लोग कैसे तैयारी में है असार पंद्रह के लिए। आज से वॉक शुरू है। ओके गाइस, थोड़ी देर में फिर मिलेंगे। हम लोग का काम कैसे होते है, ओके अभी के लिए बिता चाहता हूँ, बाय बाय। हेलो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं बांस काटने के लिए असार पंद्रह के लिए। वेरी इधर वेरी है, सब लोग आ रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं अभिषेक भाई, मैं, पदम भाई और पीछे आ रहे हैं समाज का लोग, सभी आ रहे। और हम लोग अभी बांस काट के डेरा, यानी कि थोड़ा छोटा छोटा स्टॉल जैसे थोड़ा थोड़ा बनाना है इसीलिए। हेलो गाइस, देखिए अभी असार पंद्रह के लिए खेत का जितने भी ये मक्का का रहते हुए ये ढोर बोलते हैं इसको, इसको निकालने के लिए काम चल रहा है। क्योंकि इसको निकालना पड़ेगा उस दिन, बहुत इधर गेम्स होगा, गेम्स वगैरह, इसीलिए पेड़ को ना लग जाए इसीलिए इसको निकल रहा है। और गाइस काम बराबर चल रहा है, देखिए असार पंद्रह के लिए तैयारी। वो उधर देखिए, उधर बेम्बो भी कटिंग हो रहे हैं। इधर छोटा छोटा स्टॉल रहने के, रहने का जगह बनाने के लिए बम्बो कटिंग चल रहा है। ठीक है, बेम्बो फटाफट कट रहा है हमारा सोसाइटी का लोग। अभी मधम काम चल रहा है असर पन्द्रह के लिए, जो सभी लोग है। और जेन में भी पानी बहुत अच्छा है आ रहा है। असार पंद्रह के लिए तैयारी चल रही है। इधर भाई लोग सभी लोग व्यस्त है। हेलो गाइस, देखिए अभी असार पंद्रह का धमाधम काम चल रहा है असार पंद्रह के लिए। और ये असार पंद्रह का वेनु, और इधर अभी हल भी जोताई हो रहे है। और बहन लोग इधर एकदम धमाधम काम कर रहे हैं। देखिए गाइस, ये है हमारा गांव का सीन। और इधर असार पंद्रह के लिए एकदम काम चल रहा है। और ये भी इधर भी चल रहा है, इधर दूरी बनाने का काम चल रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग।
देखिए असार पंद्रह को टीम हमीसंग आई सकिस आज देखिए पानी भी यो हो आज असार चौदह गते हई केटा आई सकिस अर्णव कदा गयो हिजो बेलक आई सकिस सुमिरन साथी भिक्की साथी यहाँ से हम साथी तब के नाम तो साथी निहाल दाजिलिंग हाई आज गेस्ट अरुण भी अब हम कई क्षणम हम असार पंद्रह को लगी काम पेंडिंग काम रहे सुरू कर गई रहे हाई साथी यहाँ हो ये उसको के अरे संपत्ति अरे हिजो तो क्या भन्दै गए आम्बो ओ यो तो छोड़ न भन्यो के आ ओ यो सुन त यो तो मेरो संपत्ति हो अरे क्या चल्दैछ अर्णव व्यस्त छ भित्र हेलो सबैजनालाई असार चौदह गते को सब सबलाई शुभकामना र भोलिको दिन असार पंद्रह को सब सबलाई हामी है वेलकम भन्न चाहन्छौं हाम्रो गाउँमा र हाम्रो टिमहरु पनि आइसकिसकेको छ असार पंद्रह को टीम खोले जाएको टीम र अब चाहिँ केही क्षणमा पानी हेभी परिरहेको छ केही क्षणमा हामी अब हाम्रो काम सुरु गर्न गइरहेको छ रेडी छ है परेन्टारमा असार पंद्रह मनाउनको लागि हेलो गाइस देखिए आज असार पंद्रह का तीसरा दिन है काम कंटिन्यू कर रहे हैं और बारिश बहुत हो रहे हैं और इसके वजह से थोड़ा काम नहीं हो पा रहा है लेकिन अभी अभी सोसाइटी का हमारा दोस्तों का जो थोड़ा वो बना रहे हैं ये कल के लिए स्टेज मंथ्स रेडी हो रहे हैं और इधर है हमारा दोस्त ये दोस्त भी आ गया है देखो और सभी भिक्की भी है और सब लोग है उधर भी काम चल रहे हैं आप लोग को दिखाएंगे जरूर उधर भी म्यूजियम की यहाँ क्या क्या हो रहा है अभी ये देखिए इसका अंदर ये है असार पंद्रह के लिए कल इधर होगा खेला होगा इधर खेला बहुत बड़ा खेला होगा खेला होगा ओहो यहाँ एउटा सपोर्ट लाउनु पर्ने छ यहाँ कल इधर भी कल साएगा इधर ओपन स्विमिंग पूल इधर बनेगा देखिए गाइस कल असार पंद्रह में हिलो यानी कि हिलो खेलने के बाद इधर होगा ओपन स्विमिंग पूल और इधर थोड़ा शावर भी बैठेगा इसको ये बनाया ओपन स्विमिंग पूल गर्ल्स के लिए ऑन है नो बॉयज अभी हम लोग आप लोग को लेके जाएंगे इधर हमारा एकदम पुराना जितने भी ओल्ड सामान यानी कि ओल्ड जितने भी सामग्री है उसको रखने के लिए म्यूजियम के लिए रेडी कर रहे हैं हमारा वॉलेंटियर दोस्त लोग जो बाहर से आया है और उन लोग भी गेस्ट भी है हमारा और वॉलेंटियर भी है इतना अच्छा मज़ा आता है कि ये सब इवेंट ये काम करने के लिए क्योंकि जो वॉलेंटियर भी वही आते हैं गेस्ट भी और दोस्त लोग इधर है और हमारा सिस्टर्स
इतना साफ कर दिया हो क्या? पहले बहुत गंदा था लेकिन ये बंदा ने बहुत साफ कर दिया। अभी इसमें हमारी तो सिस्टर ने भी साफ किया है। अभी लिपेंगे इसको, लिपके रास्ते से बनाएंगे। क्या क्या बन रहा है इधर में? यहाँ पे आपका जितना भी हम लोग का ये क्या बोलते हैं खेती बाड़ी में जितना भी टूल्स वगैरह है हम लोग का पुराना उस चीज़ का ऐसा कहीं ना म्यूजियम जैसा हम लोग प्रेजेंट करना चाहते हैं कि सभी बच्चों लोग आके देखे कि क्या क्या सामान लगता है ये सब चीज़ करने में, खेती बाड़ी करने में, उस सब चीज़ का हमारा यहाँ पे एक म्यूजियम बन रहा है। आप कुछ बोलना चाहती है? मैं क्या बोलूँ, मैं भी पहली बार आई हूँ दार्जिलिंग से और मुझे भी अच्छा लग रहा है ये सब देखने में कि हमारा चावल कहाँ से आता है। घर पे तो खाते हैं लेकिन हमको पता नहीं इतना मेहनत से वो उगता है। और आप कुछ? अभी मेरे मुझे क्या बोलना है, जितने भी अगर इधर दोस्त लोग आए हैं उन सभी मिल के हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। अगर वो के भन्नु म चाहिँ अब नेपालीमा भन्नु स्लो हो जाता है। अब कुछ बोलना चाहते हैं? अभी आया है हम हो यतिको चाहिँ हुनु पर्यो नि भन्नेको। ल मजाको आइदिँदो कट मेरो चाहिँ ल। यो चाहिँ म्युजियमको लागि तयारी भइरहेछ र यसमा चाहिँ गोबर र कालो माटोको मिश्रण भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एन्टिसेप्टिक किरा सिरा एङ्गाहरू अन्त राम्रो पनि देख्छ कलर पनि आउँछ अन्त अलिकति अब यो हिन्दू माइन्ड बडीमा भन्नुभयो भने चाहिँ एउटा राम्रो कुरा पनि हो एउटा हाम्रो यो म्युजियमको मेन क्युरेटर मिस्टर सुमिरन आलेले के दुई शब्द राख्नु सक्नुहुन्छ? हो मैले के देखेँ भने चाहिँ यो एक्चुली यो स्कुल थियो एउटा हो तर यसको केही युज छैन अहिले हो। हामी त स्पेसल युटिलाइज गरेर र सानो अलिकति के गर्ने भन्ने सोचेको थियो अहिले आइडिया लाग्ने म्युजियम जस्तो पनि हामी बनाउनु सक्छौँ होइन। सो त्यही भएर यो स्पेसल हामीले एउटा म्युजियम पनि बनाउँदैछौँ। सो मान्छेले आउँदा धेरै मेरो है असार पन्ध्रमा आउँछ होइन बाहिर जति पनि धान रोप्ने छ तर त्यहीमा चाहिँ उनीहरूले त्यसमा खेतीमा गर्ने सामानहरू जति हतियारहरू छ हाम्रो पुरानो ट्रेडिसनल हतियारहरू त्योहरू पनि अलिक जानकारी होस् नानीहरू मेरो सिक्नु सक्नुहुन्छ। सो त्यो कतिजना नानी भएको झ्यादो देखाउँदाखेरि नि अब झ्यादो भनेर बुझेन अब त्यो त्यो के पो भन्छ भने एउटा कति कुरा सुन्थ्यो नानीहरू भन्थ्यो कि झ्यादोलाई चाहिँ के भन्यो केही सोध्नु भन्यो एउटा होइन के सोध्नु भन्नु भन्थ्यो क्या। र युट्युबहरू चाहिँ हाम्रो नानीहरू पनि सिकोस् है जानु होइन हतियारहरूको नामहरू होइन हामी यो कल्चरै भयो त्यो देशहरू मात्र होइन तपाईँ नानीहरू सिको सिकहरू भनेर चाहिँ हामीले आज म्युजियम चाहिँ बनाउँछ र हेरौँ अब आफ्नो त्यो काम पक्रेर कस्तो हुन्छ है तपाईँ हेर्नुहोस्। बहुत अच्छे से चल रहे लिखी सब लोग देख सकते हैं गाइस। हम पे अभी काम चल रहा है देखिए गाइस। अभी हमारा दोस्त लोग से भी आया है और इधर है हमारा शिवम ब्रो शिवंकर अभी जलपाईगुड़ी से अभी आए देखिए आसार पंद्रह के वेन्यू में और काम कंटिन्यू चल रहा है। ये हमारा आसार पंद्रह का वेन्यू देखिए गाइस कल इधर ही होने वाला है एकदम इंजॉय। दादा को गए ल्याउनु बल भाइ भनिन रहेछ छिटो होस् होला होला बटन फ्लावर ए निजरा त भन्नु सक्दैन चौकोन जे त बहिनी त्यही गरे खाइला गर न हेलो लिखे आज शाम का टाइम आज का लास्ट नाइट है। कल असार पंद्रह यहाँ शुरू होने वाला है इसीलिए इधर न्यू एकदम ओल्ड एकदम पुराना सामान जितने भी खेती में लगते उसके लिए म्यूजियम के लिए रेडी कर रहे और म्यूजियम कल आप लोग को पूरा दिखाएंगे। आज थोड़ा इनकम्प्लीट है आज काम चल रहा है आज रात को और डिजाइनर हमारा दोस्त सुमिरन एंड सपोर्टिंग अमर सेवक शरद
एंड इधर अनूप सोहम भाई सुबोध भाई ने आज बहुत दुख किया इसमें इसको एकदम बारिश के टाइम में भी इस इधर महल गहू लेके इधर बना के रखा है देखिएगा अरे बाप से आ गया अमरवाल भाई झिलमिली दोस्त आ गया और इधर अर्णव भी आ गया है और इधर देखिए काम कंटिन्यू चल रहा है अभी थोड़ा खत्म हो गया सभी लोग इधर है और इधर देखिएगा ये हमारा पुराना सामान और भी आएगा कल आज का नाइट इतना ही कल है हमारा लास्ट असर 15 ओके गाइस आज का 14 असर 15 आज इतने भी अंत होते हैं और कल हमारा असर 15 है ओके गाइस आज का मेरा ब्लॉग भी इतने भी अंत होता है और सभी दोस्त लोग मेरा इधर ही है और सभी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि सभी ने बहुत सारा सपोर्ट किया है और आज का मेरा ब्लॉग इतने में अंत होता है और अब सभी को शुभरात्रि कहना चाहता हूँ और कॉल मिलेंगे लाइव ओके बाय बाय सी यू ओके गाइस गुड नाइट सी यू टुमारो।